नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूलकुमारी। नमस्कार दीदी, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? आज हम दो तोतों की मजेदार कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है संगत का असर। अच्छा, तोतों की कहानी, मजा आएगा। शुरू करो ना दीदी। हाँ बिल्कुल, तो सुनो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक तोते बेचने वाला रहता था, जिसका नाम था शुक्राज। नगर नगर गांव गांव घूम घूम कर वह तोते बेचता, यही उसका काम था। वैसे तो उसका तोते बेचने का व्यापार अच्छा चल रहा था, परंतु कुछ समय से उसके पास दो तोते ऐसे थे जो बिक ही नहीं रहे थे। बचे थे तो सिर्फ वही दो तोते। पर उसकी किस्मत तो देखो, उसी समय रास्ते से राजा की सवारी निकली। उसने दूसरे गांव के अनजान चेहरे को देखकर उससे पूछा, श्रीमान कौन हैं आप? हमारी नगर के तो नहीं लगते। इस पर शुक्राज बोला, प्रणाम महाराज, मैं आपके ही राज्य के एक गांव का व्यापारी हूँ। तोते बेचने नगर में आया था, सब बिक गया, इन दो तोतों को छोड़। बस अब वापस घर जा रहा हूँ। राजा ने शुक्राज के उन दो तोतों का मूल्य पूछा, तो उसने एक तोते का मूल्य 5 रुपये और दूसरे का 500 रुपये बताया। राजा को बड़ी हैरानी हुई और दोनों तोतों के दाम में इतना अंतर देख उसके मन में संशय उठा कि कहीं शुक्राज कोई ठग तो नहीं। राजा ने तुरंत उसे दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। शुक्राज थोड़ा डर गया, पर क्या करता, पहुंच गया दरबार में। दीदी, पर तोतों की कीमत में इतना अंतर क्यों था? यही बात तो राजा को भी जाननी थी, और उसने भी एक तोते के इतने महंगे होने का कारण दरबार में उपस्थित शुक्राज से पूछा। शुक्राज बोला, राजन, 500 रुपये वाला तोता अत्यंत गुणी है। पर राजा को इस बात पर विश्वास कैसे होता? तो क्या आप शुक्राज को सजा मिलेगी? मन तो राजा का भी हुआ ऐसे ठग को सजा देने का, पर उसने सोचा, बिना परखे कैसे इस व्यापारी को सजा दें? तो राजा बोले, मैं दोनों तोतों की देखभाल के लिए एक एक व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जो 24 घंटे तोतों का ध्यान रखेंगे, और यदि 500 रुपए वाला तोता वास्तव में गुण वाला है तो तुम्हें पैसे अवश्य मिलेंगे, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। शुक्राज ने राजा की शर्त मंजूर कर ली। ठीक एक दिन बाद राजा के दरबार में शुक्राज और दोनों तोते के रखवाले अपने अपने तोते ले उपस्थित हुए। राजा एवं सभी दरबारी रखवालों के मुख से पिछले 24 घंटों का लेखा जोखा जानने के लिए उत्सुक थे। वहीं शुक्राज शांत भाव से खड़ा हुआ था। राजा के आदेश पर पहले 500 रुपये वाले तोते के रखवाले ने बोलना चालू किया, महाराज यह तोता तो रात भर शांत रहा, पर सुबह 5 बजते ही बोलना प्रारंभ किया। प्रातः 5 बजे उठो, धरती माँ को शीश नवाओ, सभी बड़ों को शीश नवाओ, 13 सूर्य नमस्कार करो, नित्य स्वाध्याय करो, भूल मत जाना, करना, पूजा पाठ करना, भूल मत जाना, भैया बहन कहकर बोलना, जूते पंती में ही खोलना, हाजी हाजी कहकर बोलना, मंत्र बोलकर भोजन करना, भूल मत जाना, भूल मत जाना। यह सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया और कहा, यह तोता तो बहुत अच्छा है, यह जहाँ भी रहेगा वहाँ अच्छे संस्कार देगा, इसका पूरा मूल्य 500 रुपए इस व्यापारी को दिलवा दिया जाए। यह सुनते ही शुक्राज का चेहरा चमक उठा। अब बारी थी 5 रुपए वाले तोते के रखवाले की। उसने बताया, महाराज यह तोता तो आधी रात तक शांत रहा, मगर ठीक 12 बजे चिल्लाने लगा, यह 5 मिनट तक लगातार बोलता रहा और फिर शांत हो गया।
तब से ये शांति है। ऐसा सुनते ही राजा बोले, यह तोता तो 5 पैसे के लायक भी नहीं, इसे तो मार देना चाहिए। क्या सिखाएगा ये लोगों को? राजा की बात सुनकर 500 रुपये वाला तोता बोल पड़ा, महाराज यह मेरा भाई है। हम दोनों एक दिन बिछड़ गए थे। मैं गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया और यह उड़ते उड़ते डकैतों के अड्डे पर पहुंच गया। उस अड्डे पर वह यह सब सीख कर आया है। वो तो हमारी किस्मत है कि इस व्यापारी के जाल में फंस हम अलग अलग जगह होकर भी फिर से मिल गए। अब यह मेरे साथ रहेगा तो सारी अच्छी बातें सीख जाएगा और मेरे समान अच्छा बन जाएगा। इसे मत मारिए राजन। राजा को उस तोते की बात सुनकर दया आ गई। उसने उसकी बात मानकर 5 रुपये वाले तोते को माफ कर दिया और उसका भी मूल्य अदा कर शुक्राज को राजमहल से खुशी खुशी विदा किया। और इसी के साथ कहानी हुई खत्म। तो क्या सीख मिली आपको इस कहानी से? यही कि अच्छे संगत में रहने से अच्छे संस्कार मिलते हैं और बुरी संगत में रहकर गंदे विचार आते हैं। दोनों तोते भाई थे, पर जो साधुओं की संगत में रहा अच्छी बातें सीख गया और जो डाकुओं के साथ रहा वह उन जैसे ही मार काट वाले विचारों वाला बन गया। हाँ, इसीलिए हमें भी अपने मित्र अपनी संगत सोच समझ कर चुननी चाहिए। बुरी आदतों और विचार वाले व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए और अच्छे व सच्चे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। उसी में हमारा हित है। समझ गए दीदी, यही है संगति का असर। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद दीदी, कहानी सुनाने के लिए आपको भी धन्यवाद।